जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यानी यूपी बोर्ड का ओएमआर उत्तर पत्रक यानी ओएमआर शीट को यहां पर समझाएंगे किस तरीके से ये भरी जाएगी, क्योंकि यूपी बोर्ड पहली बार ये ओएमआर शीट लेके आया है जिसमें आपको कम से कम 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। कॉपी में नहीं करने, कहां पर करने, ओएमआर शीट पर करने हैं। इसका जो प्रारूप है वो मैं यहां पर लेके आया हूं। और देखिए यहां पर ये प्रारूप क्या है। सबसे पहले यहां पर ऊपर को आपको बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन यूपी लिखा हुआ दिखाई देगा, ओएमआर शीट हाई स्कूल परीक्षा 2023। यहाँ पर कोने में दाएं हाथ की तरफ को ओएमआर क्रम संख्या होगी जो भी दे रखी होगी, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दो बॉक्स बने हुए दिखाई देंगे जिसमें गोले भरने का तरीका पहला वाला, और इसमें एक गलत तरीका दिखाया और एक सही तरीका दिखाया, ठीक है। दोनों में आपको सबसे पहले इनको ही देखना है क्या है ये। देखिए यहाँ पर सबसे पहले गलत तरीका देखते हैं। यहाँ पर ये क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ पे ABCD लिखी हुई होगी, यहाँ क्रॉस लगा हुआ है, ये गलत तरीका है। यहाँ आधा यहाँ पर ये बना दिया है, इसे आधा गोला कर दिया तो ये गलत तरीका। बीच में क्या कहते हैं पॉइंट बना दिया, वो गलत तरीका है। या चारों तरफ को इसे भर दिया, बीच का छोड़ दिया यानी आधा भरा हुआ, ये भी गलत तरीका है। या आधा गोला भरा हुआ, ये भी गलत तरीका है। यहाँ भी गलत तरीके की एक तालिका बनी हुई है और सही तरीका आपको यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे सही तरीका में अगर जैसे ABCD चार विकल्प के ये आपको भरने हैं, जैसे पहले का विकल्प दे रखा है बी, तो आपको इस तरीके से ये गोला पूरी तरीके से भरना है। दूसरे का दे रखा है ए, तो आपको इस तरीके से ए का गोला ये पूरी तरीके से भरना है। फिर मान लीजिए तीसरे का दे रखा है सी, तो आपको सी का गोला इस तरीके से आपको पूरा गोला भरना है। चौथे का अगर डी दे रखा है तो आपको इस तरीके से ये गोला ये भरना है। पांचवे का अगर ए दे रखा है तो इस तरीके से आपको ये गोला यहाँ पर ही भरना है। तो ये सही तरीका है। इसके बाद फिर आपके यहाँ पर ये चार पॉइंट दे रखे हैं। इन पॉइंट में ये जिला कोड, ठीक है, जिला कोड का नाम, जिला का कोड और उसका नाम। जैसे कि अगर बात करें कि जिले का कोड क्या है, एक है, और नाम क्या है, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर संबल, कुछ भी हो सकता है। वैसे जिला का कोड एक किसका, आगरा का है, लेकिन मैंने यहाँ पर संबल दे रखा है। तो यहाँ पर जिले का कोड लिखना है, वहां पर संबल लिखना है, और ये बोर्ड के द्वारा भरा हुआ आएगा। ये भी ध्यान रखना कि ये जो चीजें मैंने भर रखी हैं कि जहां का भी आपका जो भी जिला है, ठीक है, वो जिला और उसका कोड ये आपका भरा हुआ आएगा, वहीं से छपा हुआ। केंद्र कोड भी छपा हुआ आएगा यहाँ पर 12001 जो भी होगा। यहाँ पर तो मैंने एक प्रारूप के तौर पर ही लिख दिया है। अनुक्रमांक यानी रोल नंबर, यहाँ पर आपका जो भी रोल नंबर है वो बोर्ड के द्वारा ही यहाँ पर इसको छापा गया है। और विषय का कोड जैसे, और इसका नाम, अब विषय का कोड जैसे 901 किसका होता है, हिंदी का होता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं या प्रश्न पर कोड है वो लिखा हुआ आएगा आपका 801, कुछ भी हो सकता है, 801, 901, 420 जो भी है, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये चारों, ये पांच पॉइंट है, 3 और 2 5 पॉइंट, ये बोर्ड द्वारा भरे हुए आएंगे, इसको आपको नहीं भरना। अब अगला पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर कि इसमें जैसे प्रश्न पत्र कोड दे रखा है, तो प्रश्न पत्र कोड के अलावा प्रश्न पत्र मार्का भी आएगा। अब प्रश्न पत्र मार्का आएगा या सीरीज आएगी तो वो आपको भरना है, किस तरीके से भरना है यहाँ पर देखिए। ये तो पहला अक्षर और ये दूसरा अक्षर। अब जैसे यहाँ पर इसमें प्रश्न पत्र मार्का में यानी दो अक्षरों का आएगा आपका, जैसे आएगा KW या AB या BD BC इस तरीके से, तो दो अक्षर। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर बात करूं कि मेरा जो क्या कहते हैं, मैंने हिंदी का जो पेपर आया 901 उसका विषय कोड था, और विषय उसका नाम था हिंदी, प्रश्न पत्र कोड 801। अब 801 के आगे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये BW इस तरीके से आएगा लिखा हुआ, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे पहला अक्षर क्या है मेरा, बी, तो मुझे यहाँ पर ये बी लिखना है, और बी वाला जो आपका पॉइंट है, बी वाला हमारा दे रखा है ये, तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से बी वाले कॉलम को इसे काला कर देना है। इसके बाद दूसरा अक्षर है मेरा W, तो दूसरा अक्षर मैं यहाँ पर W लिखूंगा, और W के लिए मैं यहाँ पर देखिए कहाँ पर W ये रहा, तो मैं इसको यहाँ पर ये
ई डब्ल्यू भर दूंगा। इस तरीके से हमें करना है। प्रश्न पत्र कोर्ट तो आपका आएगा लिखा हुआ, लेकिन प्रश्न पत्र जो मार्का होगा, जो आपके पेपर पे छपा हुआ होगा, वो यहाँ पर आपको उसकी एंट्री करनी है। जैसे मैंने आपको करके बताई बी डब्ल्यू, कुछ भी हो सकता है वो, इसमें यहाँ पर गोले आपको काले करने हैं। इसके अलावा और क्या दे रखा है, प्रश्न पत्र भाग, और देखिए केवल चित्रकला एवं संगीत वादन विषय हेतु प्रश्न पत्र के जिस भाग को परीक्षार्थी द्वारा हल किया गया है उसके सम्मुख गोले को भरा जाए, अन्य विषय हेतु यहाँ कुछ भी अंकित ना करें। ठीक है, यानी जो सिर्फ चित्रकला वाले या संगीत वादन वाले, वो ही, अब जो मैं कॉलम बता रहा हूँ सिर्फ वही लोग भरेंगे, अन्यथा और कोई यदि विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कला, जो या कला को छोड़ के उर्दू जो भी है, वो आपको सिर्फ ऊपर वाले खाने में नहीं। और अगर किसी के पास संगीत है, ठीक है, चित्रकला है, तो वो उसके लिए आपको इनके अलावा ये खाने ही भरने पड़ेंगे। जैसे पहला दे रखा है चित्रकला विषय हेतु, तो आलेखन भाग और प्रावैधिक भाग दो प्रकार की होती है, एक आलेखन और एक प्रावैधिक। तो आलेखन के लिए अगर आपके पास आलेखन है तो आप यहाँ पर ये इस तरीके से ये गोला काला कर देंगे, ठीक है, अगर आलेखन है। अगर प्रावैधिक है तो प्रावैधिक वाला आप गोला क्या कर देंगे, काला कर देंगे। अब अगर किसी के पास संगीत वादन है तो संगीत वादन के कई सारे उसके क्षेत्र होते हैं। यदि यहाँ पर दे रखा है तबला, पखावज, मृदंग, और इसका सितार, वीणा, सारंगी, सरोद, इसराज, गिटार, वायलिन, बांसुरी, जो भी चीज है, तो इसके लिए आप इसमें यहाँ पर गोला भरेंगे। जैसे कि एक या फिर दो, ठीक है, इसके लिए एक या दो गोला भरना है आपको। और कि जिसके पास संगीत और चित्रकला नहीं है उसमें यहाँ पर एंट्री उन लोगों को नहीं करनी। जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो साइंस के स्टूडेंट के पास चित्रकला का सवाल ही नहीं है, संगीत वादन का भी सवाल नहीं है, तो उनको ये एंट्री नहीं करनी। जिसके पास चित्रकला है या प्रावैधिक कला है या फिर संगीत वादन है, उनको ही यहाँ पर ये ऑप्शन भरने हैं, अन्यथा नहीं। इसके बाद फिर यहाँ पर अब हमारा यहाँ पर ये शुरू होता है 20 क्वेश्चन, जिसमें 7 भौतिक विज्ञान के होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, 6 होंगे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के, और 7 होंगे किसके, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के। तो कुल मिला के 7 × 14 और 6 × 20 क्वेश्चन हो गए ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आप क्वेश्चन पेपर में पढ़ेंगे और उनको फिर यहाँ पर किस तरीके से उसको यहाँ पर गोला करना है वो और देख लीजिए। जैसे यहाँ पर है ये देखिए, एक ये 10 यहाँ पर मिलेंगे और 10 यहाँ पर मिलेंगे, यानी 1 से 10 तक और फिर 11 से 20 तक। अब इसके लिए क्या करेंगे देखिए, तो मान लीजिए पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरा यानी डी वाला आप कॉलम पूरा भरेंगे बिल्कुल, और दूसरे का आंसर है पहला, तो इस तरीके से ये कॉलम भर देंगे। तीसरे का आंसर बी है, तो इस तरीके से ये गोला पूरा भरना है। चौथे का मान लीजिए डी है, तो इस तरीके से ये भरना है पूरा। पांचवे का मान लीजिए ए है, ये भरना है इस तरीके से। छठे का सी, ये भरना है। सातवें का बी, ये भरना है। जो भी आपके वहां पर आंसर होंगे वो आपको इन्हीं गोलों में भरना है, और बहुत ध्यान पूर्वक भरना है कि एक ही लाइन में सिर्फ एक ही गोले को भरना है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने पहले बता दिया, क्रॉस नहीं लगाना है, आधा नहीं भरना है, अंदर का नहीं भरना है, बाहर का नहीं भरना है, पूरा गोला भरना है और एक लाइन में एक ही गोला भरना है, जो भी आपका आंसर होगा वही। मैंने देखा कुछ लोगों का ये गलत हो गया, फिर ये वाला भी भर दिया, ठीक है, तो वे नहीं गिना जाएगा इसमें। ना तो आपको क्या कहते हैं फ्लूड लगाना है यानी व्हाइटनर लगाना है, और ना ही आपको ब्लेड से उसे खुरचना है। ठीक, अगर गलत भर गया तो वो समझ लीजिए गलत ही हो गया, उसको आप कितना ही ठीक कर लीजिए वो ठीक नहीं होगा। बल्कि पेपर में ये भी आया था न्यूज़पेपर में कि अगर कोई गलती होती है किसमें, ओएमआर शीट में, तो 20 के 20 नंबर खत्म हो जाएंगे, काट दिए जाएंगे। इसलिए आपको ये गोला भरते समय बहुत ध्यान देना है कि हमारा जो सही आंसर है पहले वही भरें और एक लाइन में एक ही गोला भरें बस। इसके बाद जैसे 11 का आप मान लीजिए दूसरा है तो आप दूसरा गोला भरें, 12 का एक है तो आप एक में गोला भरेंगे, 13 का सी जो भी है आपका, 14 का ए तो एक भरें इस तरीके से, 15 का ये मान लीजिए बी हो गया,
16 का डी हो गया, जो भी है इस तरीके से 17 का बी हो गया, 18 का सी हो गया, 19 का ए हो गया और 20 का मान लीजिए ये डी हो गया। इस तरीके से आपको ये गोले भरने हैं और ये ध्यान रखना एक ही लाइन में एक गोला भरना है और गोले को पूरी तरीके से भरना है, ठीक। इसके बाद अब नीचे क्या रखा है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर। तो इस कॉलम में आपको ये जो छोटा छोटा लिखा हुआ ऊपर को आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, दस्तखत करने हैं, हस्ताक्षर करने हैं, यहाँ पर परीक्षार्थी अपने खुद के हस्ताक्षर करने हैं। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर का कॉलम है, यहाँ पर जो भी ड्यूटी पे होगा एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में जिसकी भी ड्यूटी होगी वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक जो होगा वहां पर तो वो अपनी मोहर लगाएगा और यहाँ पर वो अपने सिग्नेचर करेगा, ठीक है, ये वो करा ही लेंगे खुद ही। इसके बाद अब जो ये आपने ऊपर का स्ट्रक्चर देखा इतना, ठीक है, यही सारा स्ट्रक्चर आपको नीचे भी देखने को मिलेगा, ठीक है, मतलब ये वाला पूरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पर OMR क्रम संख्या, प्रश्न पत्र मार्क का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, तो ये यहाँ पर जैसे आपने ये भरा पहला अक्षर तो यहाँ पर ये बी और दूसरा अक्षर हमने यहाँ पर ये W, इस तरीके से लिखना है। फिर चित्रकला अगर है तो मैंने अभी बोला कि अगर आलेखन है तो आलेखन वाला आपको डालना है, नंबर डालना है यहाँ पर, ठीक है, जैसे आलेखन में क्या था हमने एक नंबर था तो एक नंबर डालना है यहाँ पर। और तब ये इसके बाद अगर संगीत वादन में है तो एक नंबर या दो नंबर आपके उसमें, जैसे एक लाइन में ये तबला परखावज मृदंग भाग ये है तो इसमें एक डालना है, अगर आपका सितार वीणा ये है बांसुरी है तो नंबर दो डालना। तो मैंने ये ऊपर वाले में क्या लिया था, मृदंग लिया था, तो इसलिए मैं अब यहाँ पर भी क्या डालूंगा, एक नंबर, यहाँ पर भी एक हो गया, यहाँ पर भी एक हो गया, नंबर डालने हैं, गोला नहीं भरना, गोले का ऑप्शन नहीं है ये, यहाँ पर नंबर डालने पड़ेंगे आपको। इसके बाद फिर यहाँ पर और देखिए जो आपका ये अब लिखा हुआ था, जिला कोड, नाम, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय का कोड, नाम, प्रश्न पत्र कोड जो भी था वो आपका यहाँ पर छपा हुआ आएगा। इसके नीचे फिर वही केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर साइन होंगे और केंद्र व्यवस्थापक पर जो भी होगा आपके सेंटर पर वो यहाँ पर मोहर लगाएगा। इसके बाद वही परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, आपको यहाँ पर परीक्षार्थी के हस्ताक्षर अपने खुद के हस्ताक्षर करने हैं, जैसे यहाँ पर किए थे जैसे यहाँ पर करने हैं। और कक्ष निरीक्षक जो भी एग्जामिनर हॉल में जो भी आप क्या कहते हैं टीचर होगा वहां पर ड्यूटी देता हुआ वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर करेगा, यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह, ठीक है। और इसके बाद अब ये यहाँ पर थोड़ा सा ये नया है, यहाँ तो हमने ये गोले भरे एक एक लाइन में एक एक गोला जो हमारा सही था, अब उसी को हमें फिर यहाँ पर भी लेना है। यहाँ पर कैसे रहना, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि पहले का कौन सा सेट ठीक था हमारा बी, ठीक है, अब इसमें ए बी सी डी में भी आ सकता है ये या 1 2 3 4 में भी आ सकता है, तो यहाँ पर उसका आंसर लिखना है। जैसे ए का बी ठीक था तो यहाँ पर हम डालेंगे बी, ठीक, फिर दूसरे का ए ठीक था तो यहाँ पर ए डालेंगे, तीसरे का बी ठीक था तो यहाँ पर बी डालेंगे, चौथे का यहाँ पर डी था तो यहाँ पर डी डालेंगे, पांचवे का ए था तो ए डालेंगे, छठे का यहाँ पर सी था तो सी डालेंगे, सातवें का बी, आठवें का डी, नवें का बी और दसवें का सी, इसी तरीके से ग्यारहवें का बी यहाँ डालेंगे, बारहवें का ए, तेरहवें का सी, चौदहवें का ए, पंद्रहवें का बी, सोलहवें का डी, सत्रहवें का बी, अठारहवें का सी, 19 का ए और 20 का डी। इस तरीके से जो भी हमने आंसर इसमें किए हैं, जो गोले भरे हैं, ठीक है, उनके नंबर हमें यहाँ पर नीचे वाले कॉलम में डालने हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से पूरी ये OMR शीट आपको भरनी पड़ेगी, बहुत ही सावधानी पूर्वक भरनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से भरनी पड़ेगी कि इसमें अगर कोई गलती होती है तो आपके 20 नंबर काट दिए जाएंगे। इसलिए इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा और इसे बहुत सोच समझ के भरिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत होते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल बायोलॉजी MK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।